स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार पर। आपके समक्ष दिन का पहला समाचार ये रहा। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्कूल बंद। दूसरा समाचार, लखीमपुर खीरी केस से जुड़ा हुआ एसी ने एसआईटी को जांच जल्द पूरी करने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर से बड़ा समाचार, कुलगाम में सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, टीआरएस कमांडर समेत 5 आतंकी मार गिराए गए। इसके साथ 14 समाचार, यूनाइटेड नेशंस में फिर गरमाया कश्मीर का मुद्दा, भारत ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा जवाब। 5वां समाचार, यूनियन होम सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में की सुरक्षा को लेकर मीटिंग। तब चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। समाचार, दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। अगले आदेश तक प्राइवेट, सरकारी और सभी श्रेणिक संस्थान बंद रहेंगे। ये फैसला बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया। समाचार बता दें, लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नव गठित सिट को जल्द जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आर के जैन रखेंगे जांच पर निगरानी। समाचार, जम्मू कश्मीर से कुलगाम में सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों की मौत के घाट उतार दिया है। एनकाउंटर और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सेना को ये कामयाबी मिली है। कुलगाम के पुंबाई में 3 और गोपालपुरा में 2 आतंकी मार गिराए गए। समाचार बता दें, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड बॉर्डर क्रॉसिंग आतंकवाद के खिलाफ सख्त और फैसला कानून कार्रवाई करना जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर से 5वां समाचार, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने बुधवार यानी कि आज दोपहर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की। अब एक और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर, यानी दिन भर के टॉप 10 हेडलाइंस जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। आपके लिए जम्मू कश्मीर से दिन की पहली बड़ी खबर ये रही। अधिकारी कुलगाम मुठभेड़ में मार गिराया गया टीआरएफ कमांडर अफाक सिकंदर, आईजीपी कश्मीर ने किया खुलासा। महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय से समर्थकों के साथ रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। इसी के साथ साथ हैदरपुरा मुठभेड़ पर कहा कि अब कश्मीर में आतंकियों के साथ निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। खबर बताते चले, जम्मू में आज रात से 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे केस, श्रीनगर सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित। अगली खबर, दिसंबर तक 35,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद, उपराज्यपाल बोले अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। बड़ी खबर, बाल टाउन प्लाजा से 30 लाख कैश समेत 3 गिरफ्तार, उनकी पहचान फियाज अहमद डार, उमर फारूक और मुजीम परवेज के तौर पर। बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में कई नेताओं ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, 4 पूर्व मंत्री और 3 एमएलए भी शामिल। इसके साथ 7वीं खबर, उत्तरी कश्मीर के जिला बारामुल्ला के पलहावन चौक में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 नागरिक घायल। अगली खबर, घुसपैठ के लिए नए रास्ते तलाश रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी के अलर्ट के बाद एक्टिव हुई सिक्योरिटी फोर्सेज। जानकारी हो, जम्मू कश्मीर में अब टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम होगा कम। हाईवे से बनी बसोली सरथल मार्ग भी जुड़ेगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें, यानी दिन भर के टॉप हाइलाइट्स जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही और भी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि इस ग्रुप पे आपको हमारी सारी लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियो जम्मू कश्मीर से संबंधित मिल सकती है। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके और उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें पता चल सके। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।